अमर सिंह और सुधेंद्र कुलकर्णी के बाद अब कैश फॉर वोट कांड में आरोपियों की लिस्ट में रेवती रमन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रेवती रमन सिंह को भी इस कांड का आरोपी बना दिया गया है। जो कुछ कहना है कोर्ट में कहेंगे, हम पहले भी बयान दे चुके हैं, एक बार कमेटी के सामने दे चुके हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और दोबारा दिल्ली पुलिस को दे चुके हैं। अब जो कुछ कोर्ट पूछेगी वहाँ हम जवाब देंगे। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए रेवती रमन सिंह को आरोपी बना दिया है और उन्हें 3 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है। कोर्ट का मानना है कि रेवती रमन के खिलाफ आरोपी बनाए जाने के पर्याप्त सबूत हैं। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि वो तो सीडी में साफ था कि वो भी उसमें, जिस तरह से जो सीडी उस वक्त आई थी उसमें उनकी भी तस्वीर थी, और उनको अभी तक क्यों नहीं पूछा था, ये भी एक ताज्जुब का विषय था। इस मामले में अमर सिंह पहले ही जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि अमर सिंह को स्वास्थ्य कारणों से एम्स में रखा गया है, लेकिन अब इस केस में आरोपी बनने के बाद रेवती रमन सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अब जो भी कानून है वो तो लागू होगी, और अगर कोर्ट ने ये कहा है तो फिर वो कायदे से उनको देखना पड़ेगा कि क्या जवाब दे सकते हैं। रेवती रमन सिंह पर आरोप है कि वो भी 2008 में यूपीए सरकार को बचाने की साजिश में हिस्सा थे और उन्होंने ही मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब कोर्ट की पहल पर आरोपी बनाए जाने के बाद रेवती रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीरेश पांडे और भास्कर मिश्रा के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली।